मेरे साथ मौजूद हैं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है, भारत सरकार बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को जारी करने जा रही है। सर, क्या क्या करने जा रहे हैं इसके तहत, खास तौर पर जो कि ग्रामीण विकास के लिए? ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल से प्रारंभ होकर 5 मई तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम है, 18 अप्रैल को स्वच्छता पर्व है। इस 18 अप्रैल को देश की सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे। 20 अप्रैल को उज्ज्वला पंचायत का आयोजन है, यह देश में 15,000 स्थानों पर आयोजित होगा। गैस के नए कनेक्शन भी दिए जाएंगे और बाकी हितग्राहियों से भी चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार से 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है, इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मंडला में मौजूद रहेंगे और उस दिन वो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। देश भर में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा, उसका लाइव होगा। ऐसे ही 28 तारीख को ग्राम शक्ति दिवस है और उस दिन आवास योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, इन सब के लाभार्थियों को लाभ वितरण किया जाएगा। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत के अंतर्गत सभी लोगों को गांव में अवेयर करने का कार्यक्रम होगा। उसके जो लाभार्थी हैं 10 करोड़ परिवार, उनके वैलिडेशन का काम ग्राम पंचायत में होगा। 2 मई को किसान कल्याण कार्यशाला हो रही है, जिसमें प्रत्येक विकास खंड पर संपन्न होगी, किसान की आमदनी दोगुनी कैसे हो इस मामले में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और 5 मई को आजीविका और कौशल विकास का दिन है और बड़ा मेला आयोजित किया जाएगा, उस समय इन क्षेत्र में काम कर रहे सभी हितग्राहियों से चर्चा की जाएगी। पार्टी की तरफ से पहले ही प्रोग्राम जारी किया गया था ग्राम स्वराज अभियान को लेकर, क्या आप अपील करना चाहेंगे कि सभी पार्टी के सांसद इस प्रोग्राम से जुड़े? मैंने इस कार्यक्रम की आयोजना को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। पूरे देश में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। तो कुल मिलाकर जो है नरेंद्र सिंह तोमर बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम को पूरे देशव्यापी तरीके से लागू करने की तैयारी हो रही है। सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जो चीजें पिछली योजनाओं में छूट गई थी, जैसे जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या LED की योजना हो, उन सभी का फायदा 14 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के पूरे कार्यक्रम में गांव वालों को दिया जाएगा, जिससे गांवों को ज्यादा सशक्त किया जा सके और लोगों को उनकी योजनाओं का फायदा दिया जा सके। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।